तो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आई सेक्रेटरी भाई गुलफाम अली राजी में। इसे पिछली वीडियो में मैंने आपसे एसओ कानून के बारे में काफ़ी डिस्कस किया। बहुत सी चीज़ें हैं एसओ कानून में रह गई हैं अभी, तो उसी में से एक चीज़ है मोपला विद्रोह या मोपला आंदोलन। इस वीडियो में उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं आपको निःशुल्क ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँ। तो मोपला आपको पता है केरल, केरल में मालाबार कोस्ट है। केरल का जो समुद्री इलाका है, समुद्री इलाका है, उसे मालाबार कोस्ट कहते हैं। आपने सुना होगा कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट उड़ीसा में, कोरोमंडल कोस्ट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। उसी तरह से जो केरल का समुद्री इलाका है उसे मालाबार कहते हैं। बहुत ईजी या बहुत आसान क्वेश्चन भी आता है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, केरल में या मालाबार तट में। भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, आप में से कोई जल्दी से बता सकते हैं इस्लाम धर्म भारत में कैसे पहुंचा? कोई भी? रौनक आप बताएं, गौरी मैम, अंकित आप बताएं भारत में इस्लाम धर्म कैसे पहुंचा? कीर्ति मैम आप बताएं, प्रियंका पांडे जी, चलिए। तो एक्चुअली इतिहास की किताबों में ये चीजें ज्यादा हाईलाइट होनी चाहिए। तो भारत में इस्लाम धर्म जो पहुंचा वो पहुंचा अरब के व्यापारियों के द्वारा। आपको पता है प्राचीन काल से हमारा विदेशी व्यापार खूब होता है अफ्रीका अरब से, और अफ्रीका अरब के माध्यम से यूरोप से हमारा विदेशी व्यापार होता है। तो अरब के जो मुस्लिम व्यापारी थे उनका केरल में आना जाना लगा रहता था व्यापार के सिलसिले में। केरल से या साउथ इंडिया से खूब व्यापार वो करते थे। उन्हीं मुस्लिम व्यापारियों में से धीरे 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 कुछ लोग जो हैं वो केरल में, खास करके जो कोस्टल एरियाज हैं केरल के जिसे मालाबार तक कहते हैं, वहां पर बसने लगे। अब व्यापार में स्थानीय राजाओं को काफी फायदा होता था, तो धीरे धीरे जो स्थानीय राजा थे, जो हमारे देशी राजा थे, उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने अपने मस्जिदें और मदरसे बनाने की परमिशन दे दी। धीरे धीरे केरल में इस तरह से, पहले केरल में उसके बाद फिर पूरे भारत में, इस तरह से भारत में पहली बार जो है इस्लाम का आगमन हुआ, या अरब जो अरब व्यापारी जो थे वो भारत में इस्लाम लेकर के आए। अब इन्हीं अरब व्यापारियों के संपर्क में आने के बाद केरल में मालाबार कोस्ट में एक जनजाति थी मोपला, मोपला जनजाति, ये इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गई। इन्हीं मुस्लिम व्यापारियों के संपर्क के बाद जो मोपला आदिवासी थे केरल में मालाबार तट में, वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए। सिलसिला आगे चलता रहा। खिलाफत आंदोलन के समय आपको पता है खिलाफत आंदोलन का मूल मकसद क्या था? खलीफा के साथ संभावित जो दुर्व्यवहार होना है, हो सकता है, उसकी हमने आलोचना या उसकी खिलाफत हमने करनी थी, इसी को हमने खिलाफत आंदोलन नाम दिया था। तो मालाबार कोस्ट में एक स्थानीय मोपला नेता थे, कांग्रेसी नेता थे वो, जिनका नाम था अली मुसरियार। अली मुसरियार स्थानीय मोपला मुस्लिम थे ये। इन्होंने खिलाफत आंदोलन में काफी भागीदारी की थी और मालाबार में रह करके मोपला लोगों के बीच में इन्होंने जो राष्ट्रीय जागरूकता की जो गतिविधियां होती हैं, अहिंसात्मक असहयोग की या स्वदेशी और बहिष्कार की जो गतिविधियां हैं, उनको काफी बढ़ावा दिया था। यह अली मुसरियार और दूसरे जो नेता थे खिलाफत के, उनके संपर्क में आने के बाद मालाबार कोस्ट में भी खिलाफत और असहयोग की गतिविधियां तेजी से बढ़ी थी। अब होता क्या है कि जो मोपला जाति के जो मुस्लिम थे, इनमें ज्यादातर किसान थे, और यहाँ पर जो साहूकार, साहूकार समझते हैं जो ब्याज पर कर्ज देते हैं, जो साहूकार थे और जो जमींदार थे वो हिंदू थे। साहूकार जो थे इसमें, देखिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, साहूकार जो थे वो नैयर जाति के थे और जमींदार जो थे वो नंबूदरी, केरल में जो नंबूदरी ब्राह्मण थे वो जमींदार थे। प्राचीन काल से लेकर के अब तक अक्सर हम देखते हैं किसान और जमींदार या किसान और जागीदार, अक्सर उनमें संघर्ष हो जाता है। उसी क्या वजह है इसकी बात फिर कभी करेंगे। तो इस परंपरा को निभाते हुए जो मोपला किसान थे वो और जो जमींदार और साहूकार थे उनमें आपस में दंगे शुरू हो गए, खास करके खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान जो असहयोग आंदोलन था मालाबार तट में, शुरू में तो उसने गांधीवादी रवैया अपनाया, उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार का जो नारा था उसको अपनाया, लेकिन धीरे धीरे ये जो आंदोलन था यहाँ पर हिंदू मुसलमान दंगों में बदल गया। ये जो दंगे थे किसान, ये जो संघर्ष था, ये जो दंगे थे किसानों और जमींदारों के बीच में थे, लेकिन किसान जो बहुसंख्यक मुस्लिम थे और जमींदार जो थे या साहूकार जो थे बहुसंख्यक हिंदू थे, इसलिए बाद में ये आंदोलन जो था हिंदू मुस्लिम दंगों में बदल गया, जो कि असहयोग आंदोलन पर एक स्याह धब्बा है। गांधी जी ने बाद में जो असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया उसकी केवल एक वजह नहीं थी, केवल चोरी चोरा उसकी वजह नहीं थी, मोपला और इस जैसी अन्य घटनाएं भी इसकी एक वजह थी। तो आपसे सवाल पूछेगा कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, 1922 में हुआ था, 1921-22 में, और ये स्थानीय मोपला मुस्लिम किसान और हिंदू जमींदारों साहूकारों के बीच में दंगों के रूप में या हिंदू मुस्लिम दंगों के रूप में बदल गया। थैंक यू।